Well, hello, good morning, guys. Good morning. Morning, morning. Good morning. It's day 4 and we are in Zuko Valley. And charge, sab kuch charge khatam ho chuka hai. And right now I'm blogging it on my smartphone, Samsung. Aur हमारे पांडे जी और इनका नींद बहुत काफी अच्छा था रात भर। साढ़े आठ बजे सोया, पांच बजे उठा। और हमें देखिए, सोते क्या पांच बजे उठे, पूरा एकदम ठाकुर बने बैठे हैं। और इधर हमारे शिवम भाई और आतिक भाई कंबल के अंदर, इधर कंबल के पीछे है अनिल भाई, छुपे हुए हैं। एंड व्यू, लुक एट द व्यू। कितना बज रहा टाइम? साढ़े पांच, फाइव थर्टी हो रहा है। एंड दिस इज द व्यू, we are waiting for the view of the, not the view of the sun but the rays of the sun. This is our tent. Yahan pe soye the raat ko. This is shivam bhai log ka tent. And ye hai dhruv ka na, aur that one is shivam bhai ka. Baki wahan pe bhi chutka tent hai, wahan pe bhi ruke the. पूरा पानी निकल रहा है। एंड सुबह थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे बर्फ भी है, देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट। तो फाइनली चाय पहुंच चुका है, हाथ में है चाय, साइड में आतिक भाई, बगल में विद्युत भाई, सामने कुंकू पांडा और पांडे के पीछे गजब व्यू और तावे क्या चादर में ठाकुर। अच्छा है। सो अभी चाय पी रहे हैं, आंख नहीं खोल सकते, धूप डायरेक्ट है, सनलाइट मुंह में गिर रहा है। और इसको अभी चाय वगैरह पियेंगे और ये पीछे का टेंट वगैरह सब ताम झाम सब लपेटेंगे, लपेट के फिर से वही पैदल यात्रा जैसे करके आ रहे है तीन दिन से। मतलब घुटना छिल चुका है फिर भी हौसला बुलंद है, निकलेंगे। अभी आज का ट्रैकिंग है 3 घंटे का, वहां से फिर टैक्सी करके फिर जहाँ पे बाइक रखे थे वही चले जाएंगे। आज होटल में स्टे है, उसके बाद नेक्स्ट डे टुवर्ड्स गुवाहाटी वाया कार्बी आंगलोंग। यस, वाया कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग जाने की बोला जाओ अकेले के बोला। यप, फाइनली वी आर ऑल सेट टू लीव। बाय बाय जुको वैली एंड जुको वैली गेस्ट हाउस। मेरा देखो, मेरे को दिखा दो ना पीछे से, वैसे पकड़ के दिखा। अरे चलो चलो पैदल यात्रा करते हैं, चलो। ओके बाय बाय जुको। अरे अकेला चलो रे, डाक सुने ना आशे, अकेला चलो रे। अबे अंधेरा कायम रहे, क्या हो गया? अंधेरा हो गया एकदम। ये मेरा लाठी और ये सड़क, आगे पांडे जी, पांडे जी, देन नील, देन नील कंतो। ओके वेल, यप, ट्रैकिंग जारी है और हालत पसीना पसीना, बाइकिंग जैकेट पहन के, इट्स टफ। एंड लुक एट द व्यू, उधर देखिए पहाड़, मेरा थोपड़ा मत देखिए, उधर देखिए बहुत ही सुंदर पहाड़ है। एंड शिवम भाई पहुंच चुके हैं। एंड यप, दिस रूट इज मच मोर रिकमेंडेड कंपेयर टू द रूट वी हैव टेकन व्हाइल वी आर क्लाइंबिंग अप। वो वाला रूट मत लीजिए। सो यप गाइस, वी हैव बीन ट्रेकिंग फ्रॉम द लास्ट वन एंड हाफ आवर्स, राइट, 1.5 hours, एंड वी आर टेकिंग द शामा रूट एंड इंस्टेड वी हैव टेकन जखामा रूट। तो वो वाला रोड आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि उसमें आपको लगभग 10-12 किलोमीटर का रूट होगा ना, वो 13 किलोमीटर का रूट है। एंड दिस वन इज लाइक 5-6 किलोमीटर्स और इसमें स्टीफ कम है, वो वाला रोड में काफ़ी स्टीफ है। एंड दिस इज मच मोर रिकमेंडेड, आप आओगे तो ये वाले रूट से आओ और रिटर्न करो तो उस वाले रूट से कर सकते हो, लेकिन इसी वाले रूट से रिटर्न करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इट वॉज आवर फर्स्ट ट्रेकिंग, इट वॉज माई फर्स्ट ट्रेकिंग एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग फ्यू अदर्स। तो उसमें हमने जो ट्रैकिंग किया है, इट विल बी एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट, बहुत रात हुई थी, हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, शेयर इट एनी वेज। रात का बात है, जंगल में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सो अभी मोबाइल फ़ोन से ही चल रहा है ब्लॉगिंग, आगे जाएंगे, जाके हाईवे पकड़ेंगे, हाईवे से फिर हम लोग जहाँ बाइक रखे थे वहाँ जाएंगे। Thank you.
दिस इज द रोड गाइस, यहाँ पे पूरा खाई है एंड द रोड गोस लाइक दिस। पतली सी सड़क है, इस पतली सी सड़क पे मैं चल रहा हूँ। बाकी आतिक भाई और पांडे जी और विद्युत भाई पीछे है, शिवम और नील आगे है। चलो खौफनाक रास्ते से। सामने आओ, और सामने आओ, और सामने आओ। ये गड्ढे में पाव देना पड़ेगा। हाँ ये बीच वाला छोटा वाला, छोटा वाला गड्ढा। हाँ हाँ पकड़ लो, आराम से आराम से बैठ लो। चाहिए तो बैठ लो, दिक्कत नहीं। हाँ ग्रिप बना लो। अब उसको सामने, हाँ इधर इधर में करो। हाँ अभी आ गया, ग्रिप आ गया। आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। यस यस, डोंट लुक डाउन। ओए तल फले ना सभी ताते सर। बोसे पड़ो नहीं ले। चलो या आराम से आराम से। यप गाइस, राइट नाउ वी आर ट्रैकिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स विश्वमा। और अभी फिलहाल हम लोग ट्रैक कर रहे हैं नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर में। दिस प्लेस, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है, कुछ दिख नहीं रहा है। It's fog everywhere. Fog है, cloudy है, I guess. तो चलो आगे बढ़ो। Okay, yep, finally reached here at the taxi stand. और कुछ कहना है भाई? नहीं भाई। कुछ नहीं, हालत जाके कहेंगे। हालत तो उल्फत हो गया। हालत उल्फत, ऊर्जा हो गया। हालत खराब है। नीचे उतरने में जो हालत है, ये पूरा खींच रहा है पूरा एकदम। और शिवम और वो लोग आगे चले गए पैदल पैदल। यहाँ से हम लोग को टैक्सी मिल गया, यहाँ से डायरेक्ट मिलते हैं अभी जाकामा में। जाकामा में हम लोग आज स्टे करेंगे। चलो बाइक। सो यप गाइस, पहुंच चुके हैं यहाँ होटल रूम में। और बाइक जो रखा था हमने, वो यहाँ पे रखा था। बाइक सही सलामत है। That is the main thing that we bikers need while you do such kind of trips. Yes. है कि नहीं? Bikes को जरा मरम मरम कर देते हैं। मरम मरम मतलब मरम मतलब प्यार, ऐसा हम इसमें बोले हम। खुला हुआ है मेरा बाइक में, एंटी का लॉक तो नहीं है। इसका लॉक टूटा था, बोले थे हम कोहिमा वाले एपिसोड में। ताला लगा के गया इसमें, ताला दो ताला लगा के गया। आरएस भी सही है, अपाची भी सही है, सब ठीक है। और हमारा करिश्मा बाबा भी सही है। विंडशील्ड एनएस का है ना? विंडशील्ड एनएस का है। एस 200 बंद हो चुका है वो बाइक अभी। सेट है, रात में रहने का जुगाड़। थोड़ा मुंह हाथ धो लेते हैं, उसके बाद फिर सारा पैकेज गैजेट वगैरह चार्जिंग में लगाएंगे। सो यप गाइस, बैक टू द रियल कैमरा। और अभी मैं हूँ, आप आवाज़ सुन सकते हो मेरे ख्याल से शायद, इस सुंदर से झरने के पास में। तो दोस्तों, जैसे मैंने ट्रैक करते वक्त बताया था, हम लोग गए थे इस वाले रूट से और वापस आए विशेमा वाले रूट से। इनकेस यू वॉन्ट टू नो मच मोर अबाउट हाउ टू प्लान फॉर जुको वैली रोड ट्रिप, देन प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल मेक ए डिफरेंट वीडियो ऑन दिस। आज यहाँ का रहने का प्लान है, यहाँ पे होटल में स्टे करने का प्लान है। बाइक वगैरह सही सलामत है, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ से जाएंगे हम लोग गुवाहाटी वाया कार्बी आंगलोंग वाला रूट, तो वो ब्लॉग भी कल करना है। और अभी सारा सामान जितना है गैजेट सबका चार्ज फुल चार्ज हो चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सीधे मेन कैमरे से ही ब्लॉग होगा। यप गाइस, ये है हमारा रात का तामझाम रहने का। और दिस इज नॉट अ होटल, नीदर होम स्टे नॉर ए गेस्ट हाउस, मतलब छोटा सा रेस्टोरेंट है। वहाँ पे मालिक से बात करके हम लोग को रहने का बंदोबस्त हो गया है। तो ये हम लोग यहाँ पे पूरा चादर ओढ़ के सोएंगे रात को 6 जन। अब लोग सुस्त पड़ चुके हैं दिन भर के कमर तोड़ और पलंग तोड़ मेहनत, सॉरी पलंग तोड़ नहीं कमर तोड़ मेहनत के बाद। अभी नीचे मिलते हैं, चलिए। दिन भर का ट्रैकिंग हो चुका था ख़त्म, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। और झरना था पास में, उसका भी सीन मैंने आपको दिखा दिया है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए रिगार्डिंग नागालैंड, हाउ टू प्लान फॉर दिस ट्रिप, कॉमेंट सेक्शन बताइएगा कि अलग से वीडियो आएगा पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ। और याद अगर वीडियो देखें तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज सक्सेस। बाय बाय।